नमस्ते दोस्तों, देखिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम कम मिट्टी में भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए मेरा प्लांटर, जो कि कोई बाज़ार से ख़रीदा हुआ प्लांटर नहीं है, बल्कि ये मेरे फ्रिज की ही ट्रे है पुरानी जो टूट गई थी, तो उसको भी मैंने एज ए प्लांटर यूज़ कर लिया है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले तो आप मेक श्योर करें कि इसमें ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है, जो भी प्लांटर है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ड्रेनेज होल बना करके अपना जो है एक लेयर मिट्टी की लगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको जो है मिट्टी से भर दिया। ये कुछ स्टोन भी आ गए इसमें, तो निकाल देती हूँ मैं। देखिए ये इसमें कुछ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं, सूखी पत्तियाँ जो गिर जाती हैं, वो भी मैंने डाल रखी हैं। तो इस तरह से देखिए आपको एक लेयर बनानी है, ये देखिए थोड़ी मिट्टी आप और डाल लीजिए इसमें, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये जो लेयर है एक लग गई मिट्टी की। इसके बाद जो भी आपका किचन वेस्ट है वो आप इसमें डाल दें। ठीक है, आपके सब्जियों के फलों के जो भी छिलके हैं वो सब आप इसमें डाल दीजिए। इससे आपको कई फायदे होंगे, एक तो किचन का वेस्ट आपका कम निकलेगा, कूड़ा कम होगा आपके घर का, है ना, और जो दूसरी बात आपकी मिट्टी बहुत कम लगेगी। देखिए इस तरह से आप इसको इक्वली सेट कर दीजिए, मिट्टी भी कम लगेगी आपकी, और फिर दूसरा आपके पौधे को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो सभी ऑटोमेटिकली आपको इससे मिल जाएंगे, क्योंकि नीचे खाद बनता रहेगा, ऊपर आप इसमें पौधा लगा देंगे तो वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पौधों में जब आप पानी देंगे अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए इसके ऊपर आप मिट्टी डाल दीजिए, आप अच्छे से इसको कवर कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से बस। तो आप ये ध्यान रखा करें कि जब भी आप कोई पौधा लगाएं तो उसमें नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, वरना पौधे में पानी इकट्ठा हो जाता है और उसकी जड़ें गल जाती हैं। तो इस तरह से करके आप अपने जो भी प्लांटर है जिसमें आपको लगाना है, आप अच्छे से इसको मिट्टी से भर लीजिए। तो देखिए यहाँ तक पूरा आप इसको मिट्टी से भर लीजिए और रेडी है आपका एक प्लांटर, और बहुत ही कम मिट्टी के साथ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।